गाइस फाइनली YouTube में बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो कि आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि YouTube अपडेट होने के बाद एक ऐसा फीचर आ चुका है जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक अल्टर कंटेंट का ऑप्शन आया है YouTube अपडेट होने के बाद। तो गाइस इसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों अब आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों जब आप यूट्यूब पे पहले वीडियो अपलोड करते थे तो पहले आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग लगाना होता था, लेकिन फाइनली कि YouTube अपडेट होने के बाद अब आपको एक ऑप्शन और दिया गया है अल्टर कंटेंट। जी दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है, क्या इसका रीजन होता है, सब चीज में आज आपको इसकी वीडियो के अंदर बारीकी से बारीकी करके आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब आपको मैं बताऊंगा कि आप अल्टर कंटेंट को यस करोगे या नो करोगे, किसको यस करना है किसको नो करना है, मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं सिंपल तरीके से स्क्रीन पर। दोस्तों जैसे सिंपली आप स्क्रीन पर आ जाओगे, स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको सबसे पहले अपने YT स्टूडियो को आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप अपनी वीडियोस को जैसे अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन शो करता है अल्टर कंटेंट का। तो दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं कि अल्टर कंटेंट का क्या मतलब है। तो दोस्तों सबसे पहले अब आपको प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो दोस्तों अब आपको कोई भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको सबसे नीचे से ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो अल्टर कंटेंट का है। तो दोस्तों जैसे ही आप अल्टर कंटेंट पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो करेगा। तो दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं कि अल्टर कंटेंट का क्या मतलब है, आपको यस करना है फिर आपको नो करना होगा। तो दोस्तों अल्टर कंटेंट का यस का मतलब है, अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर एआई का फोटो, वॉइस ओवर या फिर आप एआई से रिलेटेड कुछ भी अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आपको यस करना होगा। अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर एआई का कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपको नो करना होगा। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर आप अल्टर कंटेंट को यस या नो नहीं करोगे तो दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर कमेंट गाइडलाइंस आ सकती है। तो दोस्तों अब आपको कोई भी एक को सिलेक्ट करना होगा, यस को या फिर आपको नो को। जो मैंने आपको बताया वो आपको यस करना होगा, जो मैंने आपको नो बताया वो आपको नो करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपको अल्टर कंटेंट के बारे में और भी कुछ जानना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सब कुछ दिखा देगा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ शो कर जाएगा कि अल्टर कंटेंट का क्या मतलब है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।